नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेट हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ वंशिका पांडे। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के नारायणपुर जिले में आदिवासी आंदोलन की राह पर चलने को विवश हो गए हैं। इनकी संख्या बल देखकर शासन और प्रशासन के होश उड़ चुके हैं। बस्तर संभाग का नारायणपुर जिला एक आदिवासी बहुमूल्य जिला है। आदिवासियों की संख्या बाकी सभी जाति वर्ग से अधिक है और आदिवासी अपनी सादगी और भोलेपन हेतु पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। यहाँ की मड़िया जनजाति पिछड़ी एवं शर्मीली मानी जाती है और आदिवासियों को प्रकृति का पुजारी भी कहा जाता है। नारायणपुर जिले के भोले भाले आदिवासी आंदोलन की राह पर चलने को क्यों विवश हुए, आइए देखते हैं इस पे बुलंद हिंदुस्तान की एक खास रिपोर्ट। जब जब आदिवासियों पर अत्याचार और प्रकृति पर वार हुआ है, आदिवासी औजार उठाने में भी संकोच नहीं करते। कुछ यही देखने को मिला जिला नारायणपुर मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर ग्राम छोटे डोंगर, जहां लगभग 10,000 की संख्या आदिवासी हाथों में तीर, धनुष, कुल्हाड़ी, फावड़ा जैसे धारदार औजार लेकर सैकड़ों किलोमीटर का फासला तय कर आमदाई घाटी लौह अयस्क खनन परियोजना के विरोध में पैदल मार्च निकालकर धौड़ाई गोडवाना समाज भवन में एकत्र हुए और आगे की रणनीति हेतु सभा कर रहे हैं। हम नहीं चाहते, आम जनता नहीं चाहती माइंस पहाड़ खुले, यहाँ का वातावरण बिगड़ जाए, जो यहाँ जो बहुत सारा समस्या मन है, कई ठोक बीमारी पैदा होता है, ये सब हम नहीं चाहते। जानकारी के अनुसार आंदोलन में लगभग अलग अलग जिलों में 200 से अधिक गांवों के प्रत्येक घर से एक आदमी आने की बात सुनने को मिली है। आंदोलन में भाग लेने वालों में महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की तादाद भी काफी है। आंदोलन में आए ग्रामीण शाम के भोजन हेतु अनाज गंज साथ लेकर आए हैं। इसके अतिरिक्त ठंड से बचने हेतु गर्म कपड़े और अलाव की व्यवस्था कर रहे हैं और पीने के पानी के लिए गोंडवाना समाज भवन का सोलर पंप एकमात्र सहारा है। नारायणपुर से ओरछा मार्ग पर डेरा डाले हुए हैं, जिसके चलते मार्ग आवाजाही पूर्णतः बाधित है। आंदोलनकारी केवल एम्बुलेंस एवं चिकित्सालय वाहनों को ही आवाजाही करने दे रहे हैं, अन्य किसी वाहन को आने जाने की अनुमति नहीं है। आंदोलनकारियों के अनुसार जब तक शासन प्रशासन उनकी मांगों पर गौर नहीं करती, तब तक मार्ग बाधित रहेगी। जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा, तब तक हम लड़ते रहेंगे, ऐसे ही लड़ते रहेंगे। आंदोलनकारियों की संख्या 10,000 से भी ज्यादा है, जिसके बल मुख्य मार्ग बाधित कर आवाजाही रोक दी गई है। इतनी बड़ी संख्या के जुटने के चलते ही पुलिस बल मार्ग खुलवा पाने में असमर्थ की। आनन फानन में आए प्रशासनिक अधिकारी, नायब तहसीलदार एवं पुलिस अधीक्षक बुलंद हिंदुस्तान के सवाल से बचते नजर आए और कैमरे पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। आदिवासी आंदोलनकारी अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए मीडिया को माध्यम मानते हैं, जिसके चलते मीडिया कर्मियों के अंदर तक आकर कवरेज करने की इजाजत दे रहे हैं। यह आंदोलन आदिवासियों द्वारा जल, जंगल, जमीन और आदिवासियों पर हो रहे हैं। पुलिस प्रशासन के शोषण का परिणाम है, जिसका कोई संगठन या नेतृत्व करता नेता नहीं है, जिसके चलते शासन प्रशासन से बातचीत का कोई दौर नहीं चल पाया है। जनता का नुकसान है और वहाँ का जल, जंगल, जमीन पूरा उन लोग बर्बाद होने जा रहा है। जानकारी के अनुसार पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम एवं सर्व आदिवासी समाज के मुख्य नेताओं ने आंदोलन स्थल जाकर आंदोलन का जायजा लिया और बातचीत की और कोशिश की, जो कि बेनतीजा रही। तो ये थी बस्तर संभाग से जुड़ी बुलंद हिंदुस्तान की खास रिपोर्ट। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए बुलंद हिंदुस्तान के साथ।